फिल्म दो बीघा जमीन का यह दृश्य है। इंसान की संवेदना को झकझोर कर रख दिया था इस दृश्य ने, जहां इंसान और जानवर एक साथ जिंदगी की गाड़ी खींच रहे हैं। इंसान की इस हालत को देखकर कोलकाता की यात्रा पर आए एक महान वैज्ञानिक ने इस रिक्शा पर बैठने से मना कर दिया था। वो कोई और नहीं, अल्बर्ट आइंस्टाइन थे। एक इंसान दूसरे इंसान को अपने हाड़ मांस पर ढोए, ये बहस 50 के दशक से चली आ रही है। करीब 60 साल बाद जाकर वो वक्त आ गया है जब एक इंसान दूसरे इंसान को इस कदर नहीं ढोएगा। जितने साइकिल रिक्शा चलाने वाले हैं, वो दीनदयाल जी का नाम लेकर ये दीनदयाल ई रिक्शा चलाएंगे। अब आदमी को ढोने वाला और सामान माल को ढोने वाली प्रथा हम हिंदुस्तान में बंद करेंगे। ये आ गया है ई रिक्शा। क्या है ये ई रिक्शा? कैसे चलता है ये ई रिक्शा? क्यों इन पुराने रिक्शा चालकों के लिए वरदान बनकर आया है ई रिक्शा? इन सवालों का जवाब जानने से पहले आइए देखते हैं आखिर केंद्र के फैसले से क्यों खुश है हजारों ई रिक्शा चालक। जो चालक रहेगा उसके पास आइडेंटिटी कार्ड होगा और चालक ही मालक होगा, और जो चालक को मालक बनने के लिए बैंक से कर्जा लेना है, कल से सबको बैंक से कर्जा उपलब्ध होगा। इस साल 24 अप्रैल को केंद्र की पिछली सरकार ने अधिसूचना जारी करके ई रिक्शा को अवैध घोषित कर दिया था। इसके बाद से ट्रैफिक पुलिस ई रिक्शा का चालान काटने और इसे जब्त करने लगी थी। इसे लेकर ई रिक्शा चालक पिछले कुछ दिनों से आंदोलन कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ई रिक्शा चालकों की मांगे मानकर उन्हें बड़ी राहत दी है। सरकारी घोषणा के मुताबिक अब 650 वॉट बैटरी वाले ई रिक्शा पर अब किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। इतना ही नहीं, 4 सवारियों को ई रिक्शा में बैठने की इजाजत होगी और सवारी के साथ 50 किलो तक वजन भी ले जा सकेंगे, जिसकी पहले इजाजत नहीं थी। पहला निर्णय मैंने किया है, जो ई रिक्शा है, जो 0.65 वेट की मोटर जिस रिक्शा को लगेगी, उसको मैं मोटर व्हीकल एक्ट से निकालने का निर्णय आपको दिया है। इसलिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब जो आपका रिक्शा 0.65 वेट के अंदर का बना हुआ है और 0.65 वेट का है, इसके लिए कोई पुलिस वाला, कोई आर्मी वाला कल से आपको चालान नहीं कर सकता। भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया कि 650 वॉट वाले बैटरी रिक्शा पर अब किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली जैसे बड़े शहरों में ई रिक्शे का रजिस्ट्रेशन नगर निगम करेगा, जबकि छोटे शहरों में ये नगर निगम परिषद से होगा। और तो और, ई रिक्शा खरीदने के लिए बैंक से सस्ते कर्ज भी दिए जाएंगे। इतना निर्णय किया है कि इस रिक्शा में 25-25 किलो या 50 किलो का लगेज आप 4 सवारियों के साथ रख सकते हैं। चौथा निर्णय किया है, आपको किसी रजिस्ट्रेशन के लिए किसी राज्य सरकार के या केंद्र सरकार के दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है। आपके रिक्शा का रजिस्ट्रेशन दिल्ली जैसे बड़े शहर में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन करेगी, लखनऊ कॉरपोरेशन करेगी, इलाहाबाद कॉरपोरेशन करेगी, नागपुर कॉरपोरेशन करेगी, और बड़े शहरों से जगह इसका रजिस्ट्रेशन नगर परिषद में होगा। आपको किसी पुलिस और सरकारी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं। ई रिक्शा किस तरह इन लोगों की जिंदगी में बदलाव लाएगा, ये बताने से पहले हम आपको दिखाते हैं कि आखिर
ई रिक्शा है क्या? कैसे चलता है ये रिक्शा? ई रिक्शा चलता है बैटरी से। बैटरी को चार्ज होने में करीब 9 घंटे लगते हैं। कई दिनों से परेशान ई रिक्शा वालों के लिए आज केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्य ऐलान किया है, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि ई रिक्शा क्या होता है। सबसे पहले तो ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है, यानी कि पर्यावरण के लिए ई रिक्शा काफी अच्छा होता है क्योंकि ये बैटरी से चलता है। बैटरी के बारे में बात करें तो इस ई रिक्शा में 4 बैटरियां होती है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं 2 बैटरियां इधर लगी हुई है और 2 रिक्शा यहाँ पर बैठे हुए हैं उसके नीचे लगी हुई होती है, और एक बैटरी जो होती है वो 12 वोल्ट की होती है और ऐसी 48 वोल्ट की इसमें 4 बैटरियां लगी होती है। साथ ही अगर इसके बारे में मोटर के बारे में बात करें तो 650 वाट की एक मोटर होती है, और कई जो नितिन गडकरी ने जो आज ऐलान किया है जिसमें कहा गया है कि सिर्फ 650 वाट की एक बैटरी होनी चाहिए, 650 वॉट तक ही होनी चाहिए ताकि वो मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत ना आए और उनको लाइसेंस वगैरह ना बनानी पड़े। और ज्यादातर जो ई रिक्शा वाले हैं उनकी 800 से 1000 वॉट तक ही होती है, तो सबका कह रहा है कि वो 650 तक इसको लगा देंगे, 650 वॉट तक इसको लगा देंगे। और साथ ही आज नितिन गडकरी ने कई मुख्य ऐलान किए हैं, जैसे कि जो रिक्शा वाले हैं वो चार लोग हैं सवारियां वो इसे बिठा सकते हैं, साथ ही 50 किलो तक इसमें वजन भी रख सकते हैं 4 लोगों के साथ साथ। साथ ही कहा है कि रजिस्ट्रेशन जो है उनको दिल्ली सरकार के पास नहीं जाना होगा, साथ ही एमसीडी जो है वो इनका रजिस्ट्रेशन करा देगी। तो ये बता दूं कि जो ये बैटरी वाला जो रिक्शा है वो 20 किलोमीटर पर आवर से चलता है। आप देख सकते हैं इसमें 4 लोगों के लिए बैठने के लिए जगह है, 50 केजी इसमें और सामान आ सकता है, और जो ये पर किलोमीटर जो इसकी स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर है, और एक बारी में ये 9 घंटे तक इसको चार्ज करना पड़ता है। और वहीं दूसरी बात की जाए तो ये एक दिन में 50 से 60 किलोमीटर तक चल सकता है, और इसे 9 घंटे या 8 घंटे इसको बैटरी को चार्ज होने में लगते हैं, और पर्यावरण के लिए काफी हेल्दी है। मैनुअल जो लेबर होता था ई रिक्शा में, जो अभी भी होता है रिक्शे में, जो मैनुअल लेबर होता है वो ई रिक्शा में नहीं होता है, और साथ ही जो पैरों से लोगों को खींचा करते हैं इनफैक्ट जो रिक्शे वाले हैं वो ई रिक्शा में नहीं होता है, ई रिक्शा में ये मैनुअल लेबर नहीं होता है, साथ ही पर्यावरण के लिए भी ये काफी अच्छा है। ये रिक्शा कई वजहों से विवादों में रहा। पिछली सरकार ने इसे मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लाने की बात कही थी, जिसका मतलब था बाकी वाहनों की तरह इस पर भी नियम कानून लागू होते। इसके लिए ये रिक्शा चालक तैयार नहीं थे। सरकार के फैसले से ये रिक्शा चालक बेहद खुश है। रामलीला मैदान में ई रिक्शा चालकों ने अपनी मांगों को लेकर रैली की थी, जिसमें नितिन गडकरी ने कई ऐलान किए थे। इस समय मैं मौजूद हूँ कुछ रिक्शा चालकों के साथ में, आइए उनसे बात करते हैं कि वो कितने खुश हैं इन डिसीजन से। कितने खुश हैं आप इस डिसीजन से? इस डिसीजन से हम लोग बहुत बड़ा खुश हैं, क्योंकि हम लोग बिल्कुल बेरोजगार हो गए थे, सड़क पर उतर गए थे, लेकिन अब जो है हमारी रोजी रोटी की बहुत बड़ा समस्या हल हो गई, और हम इस बात से बहुत खुश हैं, और हमारे बच्चे भी खुश हैं, और आने वाले समय में भी हम लोग खुश रहे। क्या बताइए कितने खुश हैं आप? बहुत ज्यादा, काफी खुश है। हम लोग के पीछे 6 थे बच्चे थे, नियम को तो कहां समझ के चले पूरा। लेकिन नितिन गडकरी ने कहा है कि जिनकी मोटर है वो 650 वॉट की है सिर्फ उन्हीं को परमिशन दी जाएगी वो एग्जेम्पशन के लिए, तो आपकी मोटर जो है वो कितने वॉट की है? वो 850 वॉट की है, तो उसे चेंज कर देंगे हम लोग मोटर को, जो भी हमारी मोटर हैवी मोटर है उसे हम चेंज करेंगे, जो नितिन गडकरी ने कहा है 650 वॉट की वो वाली मोटर लगा लेंगे। आपकी कितने वॉट की? मेरी है 650 वॉट की। लेकिन दिल्ली में इस रिक्शा का जमाना अब पुराना सा लग रहा है, क्योंकि जब से इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा शुरू हुआ है तब से काफ़ी फर्क आ गया है, क्योंकि इस रिक्शा में अगर आप कहीं पे जाते थे तो आपको थोड़ा सा दाम भी ज़्यादा देना पड़ता था और मैन पावर जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा लगती थी। कितना है कम से कम दाम आपका कहीं जाने? 10 रुपये राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन से सवारी उठाते हैं, मतलब तो कुछ कदमों के लिए आपका 10 रुपये मिनिमम। हाँ, 10 रुपये तो कुछ कदम के लिए इनको 10 रुपये देना पड़ता है। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा जो कि दिल्ली में, जिसका स्ट्रेंथ जो कहें कि 2 लाख रिक्शा इस तरह की दिल्ली में इस वक्त हैं, जिसमें 4 लोग इसमें बैठ सकते हैं, और थोड़ा सिक्योरिटी के लिहाज से भी काफ़ी इसमें लोगों को बेहतर महसूस होता है बजाय उस पुरानी रिक्शा के। फ़र्क ये मिलता है कि जब वो इस रिक्शा में बैठ करके चलते हैं ई रिक्शा में, तो बैटरी की वजह से इसकी स्पीड जो है वो थोड़ी बड़ी रहती है, और उस स्पीड की वजह से लोग का वक्त जो है वो बच जाता है, पैसा जो है वो काफ़ी कम इसमें लगता है बजाय उस रिक्शा के जिसमें आदमी उसे खुद से मैन पावर से चलाता है, और गर्मी में काफ़ी इससे फ़ायदा होता है। ये बताइए गर्मी में आप लोग भी वो रिक्शा चलाते थे, ये भी चलाते हैं, कितना फ़र्क लगता है? ये में इसमें बहुत का फ़र्क है जी, बहुत फ़र्क है। और लोग ज़्यादा उसमें बैठते हैं कि इसमें? दोनों रिक्शा चलाइए आप? इसमें बैठता है।
ज्यादा अभी इसमें बैठता है, इसमें बैठते हैं लोग ज्यादा। लोगों की भी जाहिर सी बात है कि ज्यादा पसंद ई रिक्शा होती जा रही है, क्योंकि काफी सारे फायदे जो हैं वो इसमें ज्यादा आ गए हैं। और सरकार ने भी जिस तरह से अभी ई रिक्शा को लेकर के जो बदलाव किए हैं वो भी इसी को देखते हुए किए हैं कि आमतौर पर जितने भी लोग सफर करने के लिए छोटे रास्तों के लिए जाते हैं उसमें ई रिक्शा उनके लिए काफी ज्यादा सहूलियत वाली साबित हो रही है। इस तरह के ई रिक्शे दिल्ली, नोएडा और लखनऊ सहित देश के कई इलाकों में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। केंद्र सरकार के फैसलों को लखनऊ में भी सराहा गया है।